नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरपर्सन बोल रहे हैं कि मैं ये रिपोर्ट आगे प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आगे देश को बताना चाहता हूँ, उसको रोक लिया जाता है कि आपकी रिपोर्ट सही नहीं है, आपका डाटा कलेक्शन सही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ डाटा कलेक्शन को छोड़ दो, मैं तो भारत के लोगों से पूछता हूँ आपकी स्पेंडिंग कम हुई कि नहीं हुई पिछले सालों में। आप स्पेंडिंग मतलब आप अगर रोज का 10 रुपये खर्च करते थे, 20 करते थे, 50 करते थे, उसमें कमी आई कि नहीं आई? हमको डाटा की जरूरत ही नहीं, यथार्थ सामने दिख रहा है। डाटा की जरूरत तो उन लोगों को है जो झूठ की परिकल्पना में जिंदा रहना चाहते हैं, हम तो सच्चाई के साथ खड़े हैं। तो यही जो आप जो रिपोर्ट की जो बारीकियां मुझसे पूछ रहे हैं, वो रिपोर्ट तो क्रश कर दी सरकार ने, उसको डस्टबिन में डाल दिया, उसको बोला कि 21-22 में नई मेथोडोलॉजी से, मेथोडोलॉजी चेंज करने से ये जो बीमारी है उसका इलाज नहीं हो पाता। मेथोडोलॉजी चेंज करने से हो सकता है आप अपने पेपर पे दिखा दो कि कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर शरीर में दिक्कत है, उसको आप ठीक नहीं करोगे, तो वो छोटी सी चीज बड़ा नासूर बनेगी। और ये आपने पूछा कि ऐसा कैसे, खपत क्यों घटी, आपका ये सवाल था, खपत क्यों घटी आप बताइए। ऑर्गेनाइज सेक्टर की खपत, ऑर्गेनाइज सेक्टर को तो आपने खत्म कर दिया गलत तरीके से GST लाके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर दिया आपने नोटबंदी लाके, तो फिर खपत रहेगी कैसे? खपत घटेगी नहीं तो क्या होगा? इकोनॉमी के दोनों सेक्टर्स में कोक के सीने पे गोली मार दी और अब आप पूछ रहे खपत कैसे घटी? अरे खपत तो घटनी थी क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। और ये विशेष साइकिल है, आप ये सोचे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उत्पादन में इसका क्या असर होगा? होगा, उत्पादन घटेगा। अगर महंगाई बढ़ेगी, उत्पादन घटेगा, तो इसका असर ये होगा कि सारी कंपनियां हो, सरकार हो, उनके राजस्व में कमी आएगी। राजस्व में कमी आएगी, वो आ ही रही है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट के टारगेट्स पे नहीं हो रहे, GST कलेक्शन एज पर टारगेट्स नहीं हो रहे, होंगे कैसे? लोग कमाएंगे जब टैक्स देंगे ना, लोगों की नौकरियां रहेगी तो टैक्स देंगे ना। तो और जब आपका राजस्व कलेक्शन नहीं होगा तो फिर आप सोशल अपलिफ्टमेंट की स्कीम्स में पैसा नहीं दे पाओगे। खपत घटने का मतलब गरीबी बढ़ी है देश में, सीधा सा मतलब है। इसके लिए MA इन एंटायर इकोनॉमिक्स करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सा विषय है, ये बहुत सरल विषय है। जब आपकी खपत घटेगी तो आपका गरीबी बढ़ेगी। महंगाई, आप ही के आंकड़े कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, GDP घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, उत्पादन घट रहा है निरंतर रूप से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 23 में से 16 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डाटा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, 23 में से 16 सेक्टर्स में भयंकर डिप है और आप छुपाना चाहते हो। आपको मैं इस पटल से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, भारत के लोगों की ओर से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इन आंकड़ों को ना छुपाएं, आंकड़े लेके आए, सदन में भी डिस्कस करें, सड़क पे भी डिस्कस करें। और मुझे ऐसा विश्वास है कि छुपाने से बेहतर ये होगा कि आंकड़े अगर बाहर आएंगे कि तो भारत के युवाओं में, भारत के लोगों में, भारत की महिलाओं में उतनी शक्ति है कि आज भी हम इन चीज़ों की सामना कर सकते हैं। पर पहले आपको एक्सेप्ट तो करिए, आप बिना एक्सेप्ट करे कैसे इस चीज़ का निदान होगा? आप दीवार, ईंट की दीवारें चुनाए जा रहे हो कि भैया इधर ना देख ले, उधर ना देख ले। अरे वो तो जिसको जा देखना है जो वो तो देखेगा ही। आप इससे अच्छा ये 15 साल क्या कर रहे थे, मुख्यमंत्री थे और ये राज्य का सबसे, मैं कहूंगा ग्रोथ इंजन था उस राज्य का, वहां पे आपको छुपाना पड़ रहा है, ऐसा क्या किया था? फिर आप कहिए कि जो हम मॉडल नाम लेते थे कि ये गुजरात मॉडल है, वो गुजरात मॉडल क्या था? छुपन छुपाई गुजरात मॉडल नहीं था। गुजरात के लोगों में साहस था, उनमें उद्यमशीलता थी, पर ये दीवार चुनवा के गरीबों को छुपाने का गुजरात मॉडल ना तो गुजरात के लोगों का ना था, ना भारत के लोगों का। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।